दोस्तों, अगर आपको जेसीबी की खुदाई सेटिस्फाई करती है तो फिर दुनिया में ऐसे और भी कई इनोवेशंस हैं जिसे काम करता हुआ देख निश्चित रूप से आप पसंद करेंगे और आपको सुकून भी मिलेगा। दोस्तों, सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए हम क्या नहीं करते, जो भी पॉसिबल हो और जिससे हमें खुशी और सुकून मिलता है तो हम उस चीज को जरूर करते हैं, भले ही वो जेसीबी की खुदाई देखना ही क्यों ना हो। दुनिया में ऐसी कई मशीन हैं जिनके काम करने का तरीका इतना शानदार और परफेक्ट है कि आप उसे देखे बिना नहीं रह सकते। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही कुछ बेस्ट सेटिस्फाइंग इनोवेशन के बारे में बताएंगे, जिसे यदि आपने एक बार देखा तो फिर आप नजर नहीं हटा पाएंगे। नंबर एक, ग्लास कटिंग मशीन। शीशे से बनी कोई भी चीज हमें आकर्षित करती है। यदि आप शीशे को काटने वाली प्रक्रिया को देख लें तो ये भी आपको उतनी ही आकर्षित करेगी जितना कि शीशे से बनी बिल्डिंग। शीशे को इतने बारीक तरीके से काटा जाता है कि उसे देखना काफी आकर्षक है। कंप्यूटर से संचालित शीशे को काटने वाली मशीन शीशे पर बारीक कट परफेक्शन के साथ लगाते हुए आगे बढ़ती रहती है। शीशे को काटते हुए देखने पर आप इस पर से नजर नहीं हटा सकते। नंबर दो, मेकिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का इस्तेमाल हर जगह होता है, लेकिन क्या आपने कभी इसे बनते हुए देखा है? स्प्रिंग को बनते हुए देखना भी काफी सेटिस्फाइंग है। जब गर्म लाल लोहे को स्टील के गोल स्ट्रक्चर पर लपेटा जाता है और गर्म लोहा स्प्रिंग का आकार बनाते हुए गोल गोल घूमता है तो बस उसे देखते ही रहने का दिल करता है। नंबर तीन, वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन। वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन को भी काम करते हुए देखना काफी सेटिस्फाइंग है। वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन की सहायता से प्लास्टिक को पिघलाकर उसे किसी भी दूसरे आकार में बनाया जाता है। मशीन जब प्लास्टिक को पिघलाकर उसे दूसरे किसी भी आकार में बना देती है, यह देखना काफी दिलचस्प और सेटिस्फाइंग होता है। नंबर चार, बिल्डिंग हाउस बाय 3D प्रिंटर्स। एक घर बनाने में कितना समय लगता है? आपका जवाब होगा शायद 6 महीने या साल भर। लेकिन आपको बता दूं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि घर का निर्माण मात्र 24 घंटे में कर देगी। 3D प्रिंटर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आइकॉन नाम की कंपनी 24 घंटे के अंदर घर तैयार कर देती है। घर तैयार करने का ये प्रोसेस काफी दिलचस्प है और मशीनों को काम करते हुए देखना काफी सेटिस्फाइंग भी है। नंबर पांच, फ्रैंका एमिका। फ्रैंका एमिका एक छोटे से रोबोटिक मशीन का नाम है। ये रोबोटिक मशीन कोई भी छोटा काम कर सकता है। इस मशीन के काम करने का तरीका काफी स्मूथ और परफेक्ट है। उसे काम करते हुए देखने पर बस उसे देखते ही रहने का दिल करता है। नंबर छह, टाइटेनियम टायर्स। यदि टायर के पंचर हो जाने से आप भी परेशान हैं, तो आपकी परेशानी जल्द ही खत्म होने वाली है। नासा ने ऐसे टायर की खोज की है जो कभी पंचर ही नहीं होता। ये टायर निको टाइटेनियम से बना हुआ है। टायर दिखने में काफी स्मूथ और रबड़ वाले टायर से काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। टायर को दबाने के बाद जब वह अपने पुराने शेप में वापस आता है तो ये देखना काफी सेटिस्फाइंग होता है। नंबर सात, क्लोथिंग फोल्डिंग मशीन। यदि आपको भी कपड़े तह करना बहुत मुश्किल लगता है तो फिर आपकी परेशानी का एक हल है। आप कपड़े तह करने वाली मशीन खरीद लें। कपड़े तह करने वाली रोबोटिक मशीन भी दुनिया में मौजूद है जो अपना काम परफेक्ट तरीके से करता है। इस मशीन को कपड़े तह करते हुए आप देखते रह जाएंगे। कपड़े को तह करने का प्रोसेस काफी सेटिस्फाइंग है। नंबर आठ, कटिंग ऑफ मेटल। मेटल में कट लगाकर उसे परफेक्ट आकार देना भी काफी मुश्किल काम है। कई तरह की मशीन मिलकर इस मुश्किल काम को आसान बनाती है। मेटल में कट लगाना हो या उस पर कुछ डिजाइनिंग करनी हो, ये सभी काम मशीन बखूबी करती है। जिस स्पीड और परफेक्शन से मशीन ये काम करती है उसे देखना काफी सेटिस्फाइंग होता है। वुड वन डिजाइन। कई सारे फर्नीचर पर जलाकर खूबसूरत डिजाइनिंग की जाती है। डिजाइन तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने डिजाइनिंग प्रोसेस देखा है?
लकड़ी पर डिजाइन बनाने के लिए लकड़ी को जलाने की प्रक्रिया काफी इंटरेस्टिंग और सेटिस्फाइंग है। एक निश्चित डिजाइन में लकड़ी को जलाते हुए देखना आपको सेटिस्फाई करेगा। नंबर 10, फोम कटिंग मशीन। किसी सामान के बॉक्स में मिलने वाले फोम को काटने में हम सबको बेहद मजा आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस फोम को काटकर परफेक्ट शेप में कैसे बनाया जाता है? फोम को रोबोटिक मशीन के जरिए काटा जाता है। फोम को काटते हुए देखना किसी जादू से कम नहीं लगता। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।